गुड मॉर्निंग जय स्वामीनारायण स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंटिन्यू फॉर यूनिट नंबर 2 वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इन विच वी आर कंटिन्यू विथ रिमूविंग द हाइपरवाइजर. हाउ टू रिमूव अ हाइपरवाइजर, द स्टेप्स आर द शेड्यूलिंग VMs, मैनेजिंग मेमोरी, इम्यूलेटिंग IO डिवाइसेस, नेटवर्किंग एंड मैनेजिंग वर्चुअल मशीन्स. हियर वी आर फाउंड सम रेफरेंसेस फॉर VMware. No hypervisor, that means not use a hypervisor, virtualized computer infrastructure without the virtualization, then a secure virtual machine execution under an untrusted management OS, then introduction to virtualization and cloud technology to support a grid. Here I repeat a few important aspects in removing the hypervisors, in which we are cover a scheduling of virtual machine, in which we are use the one VM per core. ठीक है, इसके बाद managing a memory which is used to pre-allocation of memory with processor support, emulating IO devices in which we can access a direct access to virtualized device, networking, utilize a hardware, ethernet switches, managing a virtual machines, this decouple the management from operations. A hypervisor में यूनिट नंबर 2 में हाइपरवाइजर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. वो एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच भी आप इन क्लाउड टेक्नोलॉजीज हाइपरवाइजर को डीप में समझना खूब इम्पॉर्टेंट है. हाइपरवाइजर मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, इज़ अ वर्चुअल मशीन मॉनिटर, इज़ अ ऑल्सो एंटाइटल विथ VMM और वर्चुअलाइजर, आप इसे वर्चुअलाइजर भी बोल सकते हैं. वो क्या है, इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और हार्डवेयर दैट क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन्स. ठीक है, अ कंप्यूटर ऑन विच हाइपरवाइजर रन वन और मोर वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड एज अ होस्ट मशीन, एंड ईच वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड अ गेस्ट मशीन. ये यूनिट नंबर 2 का रिवीजन हो रहा है. आफ्टर एंडिंग द सेशन आई रिपीट अ एंटायर यूनिट. हम कहाँ पे थे, हाँ, हाइपरवाइजर is a present a guest operating system with a virtual operating platform and manage the execution of guest operating system in multiple instances of variety of operating system may share the virtualized hardware resources, for example Linux, Windows and Mac OS. All instances can run on a single physical microprocessor 86 series instruction set architectures based 8086 processor machine. This contrasts with operating system level virtualization, where all instances must share a single kernel, though the guest operating system can differ in upper space, such as a different Linux distribution with the same kernel. The term hypervisor is a variant of supervisor, a traditional term for the kernel of a OS. The hypervisor is a supervisor of the supervisors, with hyper used as a stronger variant of super. इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हमने देखे थे, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 को आप नेटिव और बेयर मेटल हाइपरवाइजर्स बोल सकते हैं, और टाइप 2 इज़ अ होस्टेड हाइपरवाइजर. टाइप 1 में क्या होता है, इज रन डायरेक्टली ऑन होस्ट हार्डवेयर, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर एंड टू मैनेज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर दिस रीजन दे आर समटाइम कॉल्ड अ बेयर मेटल हाइपरवाइजर. द फर्स्ट हाइपरवाइजर विच IBM developed in 1960s were native hypervisors. This include
the test software Siemens and CMS operating system. It is a part of processes of IBM's Z virtual machine. A modern equivalents include ANTS OS, Microsoft Hyper-V, Xbox One System Software, Nutanix AHV, XCPNG, Oracle Virtual Machine Server for Spark, Oracle VM Server for 86 series, Power Hypervisor, VMware ESXi, is formerly ESX, and Xen. Xen हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड्स में, हमने Xen आर्किटेक्चर भी पढ़ा था. इज अ टाइप वन वर्चुअल मशीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट ऑन द सेम कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्करेंटली. इट वॉज डेवलप बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कंप्यूटर लेबोरेटरी. ठीक है, अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. इन टाइप टू इट इज़ रन ऑन कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट एज अदर कंप्यूटर प्रोग्राम टू. गेस्ट ओएस रन ऑन अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट. टाइप टू हाइपरवाइजर एब्स्ट्रैक्ट अ गेस्ट ओएस फ्रॉम द होस्ट ओएस लाइक अ पैरेलल डेस्कटॉप फॉर मैक. QEMU इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स इम्यूलेटर एंड वर्चुअलाइजर दैट कैन परफॉर्म अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअल बॉक्स इज प्रोवाइडेड बाय ऑरेकल. VMware प्लेयर, VMware वर्कस्टेशन, इसका लेटेस्ट वर्जन है VMware वर्कस्टेशन प्रो विच इज़ रन ऑन x64 वर्जन ऑफ विंडो एंड लिनक्स OS. ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप टू हाइपरवाइजर्स. देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट में हम काफ़ी फैक्टर्स अफेक्टिंग कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन में. अमोंग वेरियस ओएस लाइक यूनिक्स लिनक्स एंड यूनिक्स लाइक ओएस. ठीक है, इन विच हमें मेमोराइज करना है. इट इज़ यूज फॉर एक्सपांडिंग हार्डवेयर एफर्ट टू कंट्रोल एंड नीड टू कंट्रोल अ लार्ज प्रोसेसर एंड क्लस्टर. सिक्योरिटी एंड एबिलिटी टू रन अ कॉम्प्लेक्स ओएस डिपेंडेंट एप्लीकेशंस इन अ डिफरेंट हार्डवेयर और ओएस एनवायरनमेंट. कुछ टाइम हम ये एप्लीकेशंस x86 प्रोसेसर्स में हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं. एम्बेडेड सिस्टम में भी हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं. और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन विच वी यूज़ अ हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी बाय मालवेयर एंड रूटकिट विच इज़ इंस्टॉलिंग देमसेल्फ एज अ हाइपरवाइजर बिलो द ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज अ हाइपर जैकिंग. हाइपर जैकिंग क्या है? इज़ अ अटैक इन विच हैकर टेक अ मिलीशियस कंट्रोल over the hypervisor that create a virtual environment within a virtual machine host. Point of the attack is to target the OS that is below that of the virtual machine so that the attacker's program can run and end. It's a just simply hyperjacking. It can make them more difficult to detect because the malware code intercept any operation of operating system such as someone entering a password without the anti-malware software necessarily detecting it since the malware runs below the entire operating system. Implementation of concept has aligned occur in sub-virtualization. Is developed jointly by Microsoft and University of Michigan researchers as well as the Blue Pi malware package. However, such assertions have been disputed by others who claim that it would be possible to detect the presence of a hypervisor based rootkit.
last 10 minutes may just we are discussed about the latest examples of hardware security, all about the virtualization and concept with latest applications with versions. रेफरेंस ऑलरेडी मैंने बताए थे आपको, ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अमेजोन वेब सर्विसेज AWS, इन विच वी आर डिस्कस द हिस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड इकोसिस्टम. नाउ वी आर ओवर द वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म. थैंक यू. जय स्वामीनारायण.